नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका सीओसर पीसीएस क्लास में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, उसी क्रम में आपको करंट अफेयर्स का भी क्लास चलाया जाता है। करंट अफेयर्स की सीरीज में आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है और महीना कम्प्लीट होने के बाद आपको मंथली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है। मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग फरवरी और मार्च महीने के करंट अफेयर्स को देख चुके हैं, उसी क्रम को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग अप्रैल 2020 के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके पहले कि हम लोग आज की क्लास प्रारंभ करें, जो भी मित्र या जो भी व्यूअर चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स को, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं जैसे PCS 2020 का प्री पेपर हुआ, RO 2016 का री एग्ज़ाम हुआ, BEO का परीक्षा हुआ, चाहे लोअर PCS का मेंस हुआ, सभी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम अप्रैल माह के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को देखेंगे। तो आपका पहला प्रश्न, आइए प्रारंभ करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में सुकन्या समृद्धि योजना में मिलने वाले 8.4% ब्याज दर को घटाकर कितना कर दिया है? तो आपका कितना कर दिया गया है, 8.4 से घटाकर 7.6। तो आपको यह नाम भी याद करना है, सुकन्या समृद्धि योजना, ब्याज दर 8.4 से घटाकर 7.6 किया गया है। ठीक, आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज में महिला स्वयं सहायता समूहों को दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत कितने लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण दिए जाएंगे? तो आपका कितने लाख तक दिया जाएगा, 20 लाख रुपए। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, इस मिशन का नाम भी याद रखना है, दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन। तीसरा प्रश्न आज का, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 2020-21 में क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन पर आधारित राष्ट्रीय मिशन के तहत कितने वर्षों के लिए 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? तो आपका 5 वर्ष। तो यहाँ भी आपको देखना है, 5 वर्ष आपको देखना है और 8,000 करोड़ भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको समय दे के कि कितने 5 वर्षों में कितने 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है, तो आप कहेंगे 8,000 करोड़। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए टीम 11 नामक अंतर विभागीय समितियों का गठन किया? तो आपका उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने घोषणा किया है। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी न्यूज हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आप UPPCS की तैयारी कर रहे हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारत को किस देश ने 15,295 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान ने किया है। कितने करोड़ रुपए की परियोजना, 15,295। आइए आज के छठे प्रश्न पे चलते हैं। देश में COVID-19 के प्रकोप से निपटने के लिए कौन सा संस्थान पोर्टेबल वेंटिलेटर पर कार्य कर रहा है, जिसका प्रोटोटाइप जल्द ही तैयार हो जाएगा? तो आपका IIT कानपुर। आज का सातवां प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में अप्रैल 2020 के दौरान एक अहम फैसले में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल कानून लागू कर दिया। अब जम्मू कश्मीर में कितने साल से रह रहे नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो आपका 15 साल। आज का आठवां प्रश्न, हाल ही में मार्च 2020 के दौरान जापान के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व केन सिमुरा का कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया, ये क्या थे? एक हास्य अभिनेता थे। तो आपको ये तीनों चीज़ याद रखना है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। जापान के थे, कौन, केन सिमुरा, हास्य अभिनेता थे। आज का नवा प्रश्न, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश के मिगुसा में पाए गए एक प्राचीन जीवाश्म के विश्लेषण के आधार पर पता लगाया कि मानव हाथों का विकास किस प्रकार हुआ है? तो किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है ऐसा, कनाडा के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है। आज का दसवां प्रश्न, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है? तो आपका उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए 11वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में
मार्च 2020 के दौरान नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो आपका भौतिक विज्ञान का नोबेल दिया गया था फिलिप एंडरसन का। इनका हाल ही में निधन हो गया है। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में जस्टिस रजनीश ओसवान को किस हाई कोर्ट के जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण कराई गई है? तो इन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण किया है। कौन? रजनीश ओसवाल। आज का 13वां प्रश्न आइए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विश्व बैंक ने भारत को कितने करोड़ डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता देने की घोषणा की? तो आपको 100 करोड़ डॉलर के आपातकालीन वित्तीय सहायता की घोषणा किया है भारत को किसने? विश्व बैंक ने। आज का 14वां प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह किन दो देशों के बीच कच्चे तेल की कीमतों को लेकर छिड़े युद्ध को समाप्त करने के लिए तैयार हैं? तो आपका सऊदी अरब और रूस। ठीक, चलिए 15वें प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में अप्रैल 2020 के दौरान किस संस्था के इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर ने एक पोर्टेबल यूवी सैनिटाइजर विकसित किया है जो कि वॉलेट एवं पर्स जैसी छोटी वस्तुओं को जीवाणु रहित बना सकती है? तो ये आपका IIT बॉम्बे ने डिजाइन किया है। आइए आज के 16वें प्रश्न पर चलते हैं, 2 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, तो यहाँ से आपको नाम याद कर लीजिए, इस समय केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म के नए फीचर को लॉन्च किया जो किसानों द्वारा कृषि विपणन को मजबूत करने में उनकी मदद करेगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आपका 2016 में। ठीक, तो आपको सीधे सीधे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो सीधे हो जाएगा आपका 2016। चलिए 17वें प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में अप्रैल 2020 के दौरान किस राज्य सरकार ने राज्य में सभी पंजीकृत गौशालाओं के लिए प्रत्येक पशु प्रतिदिन 25 रुपये वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो यह आपका गुजरात सरकार ने। आइए आज के 18वें प्रश्न पर चलते हैं, मार्च 2020 के दौरान राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन ने सूर्य की उत्पत्ति एवं सूर्य पर होने वाले विशाल मौसमी अंतरिक्ष तूफान के बारे में अध्ययन करने के लिए किस मिशन की घोषणा की है? तो आपका ये सनराइज मिशन है। ठीक, आइए आज के 19वें प्रश्न पर चलिए, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने हाल ही में अप्रैल 2020 के दौरान निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मूल्य निर्धारण एवं संसाधन इकाई की स्थापना की है? तो आपका जम्मू कश्मीर में। आज का 20वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में कितने लाख करोड़ रुपए की ऋण लेने की योजना बनाई है ताकि अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव को कम किया जा सके? यह आपका 4.88 लाख करोड़ रुपए के ऋण की योजना बनाई गई है। आइए आज के 21वें प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में किस संस्था ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस प्रकोप को देखते हुए अत्याधुनिक मास्क सैनिटाइजर से लेकर बायोसूट तैयार किया है? तो आपका DRDO ने। 22वें प्रश्न पर चलिए, हाल ही में अप्रैल 2020 के दौरान पशुओं के प्रति दया दिखाने के लिए निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया जाने की घोषणा किया गया है? तो आपका कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया जाएगा। आज का 23वां प्रश्न, हाल ही में अप्रैल 2020 के दौरान मशहूर संगीतकार M.K. अर्जुन का निधन हो गया। ये किस भाषा के संगीतकार थे? तो ये आपके मलयालम भाषा के संगीतकार थे M.K. अर्जुन। आज का 24वां प्रश्न, हाल ही में अप्रैल 2020 के दौरान ब्रोक्स चिड़ियाघर, कौन सा चिड़ियाघर है? ब्रोक्स के एक बाघ में COVID-19 पॉजिटिव पाया गया। यह चिड़ियाघर अमेरिका के किस क्षेत्र में अवस्थित है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, 25वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने COVID-19 के मामले को ट्रैक करने हेतु
किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? तो ये आपका आरोग्य सेतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है। कि जो योजनाएं केंद्र सरकार की हो या उत्तर प्रदेश सरकार की, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए 26वें प्रश्न पे चलते हैं। फीफा ने हाल ही में किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है? तो आपका अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ होना था? भारत में। आइए 27वें प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक वर्ष के लिए सांसदों के वेतन में कितने फीसदी की कमी लाने के लिए संसद अधिनियम 1954 वेतन भत्ते और पेंशन में संशोधन के लिए एक अध्यादेश की मंजूरी दी है, जो 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी? तो आपका 30%। अगले एक साल तक के लिए सांसदों के वेतन में कितने फीसदी कटौती की जा रही है? 30%। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए 28वें प्रश्न पे चलते हैं। बिहार सरकार ने देश भर में लॉकडाउन के कारण देश के अन्य हिस्सों में फंसे 1 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों के बैंक खातों में कितने रुपये स्थानांतरित किए हैं? तो आपका 1,000 रुपये। ठीक। 29वां प्रश्न आज का। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है? तो आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 30वें प्रश्न पर चलिए। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील का कोविड-19 से जुड़ी जटिलताओं के चलते हाल ही में अप्रैल 2020 के दौरान निधन हो गया? तो आपके लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे। कौन? महमूद जिब्रील। तो आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महमूद जिब्रील किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो आप कहेंगे लीबिया। आइए 31वें प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस से बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? तय किया है जीवन नाम। आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि जीवन नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर किसने तैयार किया है? आप कहेंगे भारतीय रेलवे ने। आइए आज के 32वें प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितने साल के लिए सांसद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो आपका 2 साल के लिए सांसद निधि को स्थगित कर दिया गया है। 33वां प्रश्न। किस राज्य की पुलिस ने FIR की होम डिलीवरी सेवा शुरू की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश की पुलिस ने FIR की होम डिलीवरी प्रारंभ कर दी है। 34वां प्रश्न पे आइए। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में अप्रैल 2020 के दौरान नोबेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किस योजना की शुरुआत की या किस योजना की घोषणा की? तो उन्होंने 5T। ठीक। चलिए आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 5T योजना किस सरकार ने प्रारंभ किया? तो आप कहेंगे दिल्ली की सरकार ने। ठीक। 35वां प्रश्न। हाल ही में फोर्ब्स सूची 2020 जारी की गई, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री के MD मुकेश अंबानी पिछले साल के मुकाबले 13वीं रैंक से खिसक कर किस स्थान पर आ गए? तो 21वें स्थान पर आ गए हैं। पहले किस पे थे? 13वें। अगले क्वेश्चन पर आइए। चीन के कोरोना वायरस संक्रमण के केंद्र रहे वुहान शहर में कितने दिन के बाद लॉकडाउन खत्म किया गया? 76 दिन। चूँकि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से ही फैला है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वुहान के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 37वां प्रश्न। विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन अवधि कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो आपका दिसंबर 2020 तक के लिए टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन स्थगित कर दिया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पाइए। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया है? तो आपका 2 साल के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 39 नंबर का प्रश्न। विश्व होम्योपैथी दिवस
कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। 40वां प्रश्न, विश्व भर में ईसाइयों द्वारा वर्ष 2020 में किस तिथि को गुड फ्राइडे मनाया गया? तो आपका गुड फ्राइडे 10 अप्रैल को मनाया गया इस बार। 41 नंबर का प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कहा है कि भारत को S-400 हवाई रक्षा प्रणाली की आपूर्ति सही समय पर की जाएगी? तो ये रूस। ठीक, तो आपका क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है इस तरह घुमा के कि भारत S-400 हवाई रक्षा प्रणाली किस देश से खरीद रहा है, तो आपका कहाँ से हो जाएगा? रूस से। 42वें प्रश्न पर चलिए, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2020 के दौरान यूनिसेफ के साथ मिलकर मो प्रतिभा कार्यक्रम की शुरुआत की? तो आपका उड़ीसा सरकार ने। 43वां प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो चीन रहा। यानी कि 2019 में सबसे ज़्यादा पेटेंट कराने के लिए किस देश ने आवेदन दिया था? चीन ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग नरसंहार को की कौन सी जयंती मनाई गई? सॉरी, जयंती नहीं, वर्षगांठ है। हाँ, देखिए, 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला नरसंहार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो आपकी ये कौन सी वर्षगांठ थी? 10वीं। 45 नंबर के प्रश्न पर चलिए, हाल ही में अप्रैल 2020 के दौरान किस राज्य सरकार ने फूड बैंक नामक एक नई पहल की शुरुआत की? तो आपका मणिपुर सरकार ने पहल किया है। 14 अप्रैल 2020 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी 129वीं जयंती मनाई गई। 9 दिसंबर 2020 में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। किसकी मेजबानी? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप। अगले प्रश्न पे आइए, अप्रैल 2020 के दौरान ब्रिटिश के एक महान व्यक्तित्व टिम ब्रूक टेलर का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया, वो क्या थे? तो एक कॉमेडियन थे। ठीक, तो आपका क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि टिम ब्रूक टेलर जो कि एक कॉमेडियन थे जिनका कोविड-19 की वजह से निधन हो गया, वो किस देश के थे? तो कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। हाल ही में अप्रैल 2020 के दौरान भारत और किस देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर काम करने का प्रस्ताव दिया है? तो अमेरिका ने दिया है सब प्रस्ताव भारत को। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया? कोलैबकैड। ठीक, तो आपका क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि कोलैबकैड नामक सॉफ्टवेयर किन संस्थानों ने लॉन्च किया है? तो आपका क्या हो जाएगा? अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने मिलकर लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए 51 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली सालाना कितने रुपये तक की धनराशि अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है? तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाती थी उसको रोक दिया है। अब हाल ही में अप्रैल 2020 के दौरान किस संस्था द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2020 जारी की गई? तो यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आइए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे त्रिशूर पूरम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका केरल। त्रिशूर पूरम त्यौहार कहाँ का है? केरल का। अगले प्रश्न पर आइए, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 15 अप्रैल को किस जगह अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया? थे नई दिल्ली। आइए 54 क्वेश्चन हो गया था, 55 पे आइए, कौन सा राज्य अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एलोपैथी और आयुर्वेद के साथ कोविड-19 सकारात्मक रोगियों का इलाज करने वाला पहला राज्य बना? तो कौन सा राज्य है? गोवा।
अगले प्रश्न पे आइए। पोकर स्टार्स इंडिया ने हाल ही में अप्रैल 2020 के दौरान किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसने? पोकर स्टार्स इंडिया ने। 57 नंबर पे आइए। हाल ही में अप्रैल 2020 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष तमस अजान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध हंगरी से है। 58वें प्रश्न पे आइए। RBI ने 17 अप्रैल 2020 को रिवर्स रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती कर दी, तो अब रिवर्स रेपो रेट कितना हो गया है आपका, बताइए? 3.75%, पहले कितना था? 4। 59वें प्रश्न पे आइए। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने तालाबंदी के कारण शिक्षण और सीखने की निरंतरता बाधित न होने के लिए किस नाम से एक परियोजना शुरू की? तो आपका इस्माइल नाम से परियोजना प्रारंभ किया है किसने? राजस्थान ने। तो आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस्माइल परियोजना किस राज्य सरकार की है? तो आपका हो जाएगा राजस्थान। अगले प्रश्न पे आइए। 18 अप्रैल 2020 को मनाए गए विश्व धरोहर दिवस की थीम क्या थी? तो यहाँ से पहला क्या हो गया आपका, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? 18 अप्रैल को, एक प्रश्न यहाँ से बनता है। और दूसरा इसकी थीम क्या थी? साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। ठीक, आइए 61वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो आपका किसान रथ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में अप्रैल 2020 के दौरान किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यकाल में कटौती की गई? तो आपका आंध्र प्रदेश की घटना है। आज का 64 नंबर का प्रश्न, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की? तो भारत की घटना है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को यकृत से संबंधित बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है? तो आपका कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक जीव की नई प्रजाति तितिमेरे सुरस सालाजार की खोज की गई, यह प्रजाति किस जीव की है? सांप की। ठीक, तो आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सांपों की एक नई प्रजाति की खोज की गई, उसका नाम बताइए। तो आप क्या कहेंगे? तितिमेरे सुरम सालाजार। अगला प्रश्न, हाल ही में अप्रैल 2020 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव आपका कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। हाल ही में गूगल कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए किस नाम से एक कीबोर्ड विकसित किया है? तो आपका किस नाम से किया है? टॉक बैक। आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक नामक एक कीबोर्ड विकसित किया गया है, जो किस कंपनी ने विकसित किया है? तो आपका गूगल कंपनी ने विकसित किया है। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये वास्ता आना चाहिए। 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस। ठीक, अगला प्रश्न, हाल ही में किस फाउंडेशन द्वारा वैश्विक स्तर पर अन्ना सेवा, जो कि सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है, की शुरुआत की गई? तो आपका रिलायंस फाउंडेशन द्वारा चालू किया गया। आपसे भी पूछा जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर रिलायंस फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ किया गया मुफ्त भोजन कार्यक्रम का नाम क्या है? तो आप कहेंगे अन्ना सेवा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है। तो आपका गुजरात है। फेसबुक ने हाल ही में अप्रैल 2020 के दौरान मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की? 9.99%। ठीक, आपके ऑप्शन में 10 भी हो सकता है, अगर एग्जैक्ट डेटा नहीं रहेगा तो आप 10 करिएगा। ठीक, चलिए। पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉयस आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं, जिस माध्यम से ग्राहक शेष राशि की जांच कर सकते हैं तथा क्रेडिट कार्ड के विवरण के साथ साथ अन्य प्रश्न को भी पूछ सकते हैं? तो आपका आईसीआईसीआई बैंक है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के अध्यादेश को निरस्त कर दिया है? तो आपका आंध्र प्रदेश है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है? तो आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2020 के दौरान जारी हुए रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वार्षिक विश्लेषण के अनुसार वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो आपका 142वां। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरा क्वेश्चन ना देखे, कि वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? आपका हो जाएगा 142वां। अगला प्रश्न, 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस की थीम, तो पृथ्वी दिवस आपका सबसे पहले 22 अप्रैल और इसकी थीम था इस बार जलवायु कार्रवाई। ठीक, अगला प्रश्न पे आइए। 79, हाल ही में अप्रैल 2020 के दौरान जारी हुए रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के वार्षिक विश्लेषण के अनुसार वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? नॉर्वे। तो वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता में नॉर्वे पहले स्थान पे और भारत 142वें पे। 80 नंबर क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आपका PV सिंधु। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 22 अप्रैल 2020 को किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ईरान। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ईरान का पहला सैन्य उपग्रह जिसको अभी सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, तो आप कहेंगे नूर। अगले प्रश्न पे आइए। किस वैश्विक संस्था द्वारा शुरू किया गया वार्षिक विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह अप्रैल के अंतिम सप्ताह यानी 24 से 30 अप्रैल के मध्य मनाया जा रहा है? तो आपका है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। केंद्र सरकार ने COVID-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने को बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर किस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राशन किस्तों में भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है? तो आपका 1 जुलाई 2021 तक रोक लगा दिया गया है महंगाई भत्तों में वृद्धि पर। ठीक, अगला प्रश्न आपका। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे चीन ने 24 अप्रैल 2020 को अपने अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर 2020 के अंत में मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक, कौन सा देश? चीन। जिसके लिए चीन ने अपने मंगल मिशन का नाम क्या रखा है? तो उन्होंने मंगल मिशन का नाम रखा है Tianwen-1। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंबुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपका अंबुबाची मेला असम में आयोजित किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई के लिए अपने सभी न्यायालयों में अपेक्षित आधारभूत संरचना तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। टाटा ट्रस्टों ने COVID-19 प्रसार को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रचारित स्वास्थ्य प्रथाओं को अपनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामुदायिक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम 23 अप्रैल 2020 को भारत ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान द्वारा आयोजित सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों के एक वीडियो सम्मेलन में भाग लिया। सार्क देशों में से निम्न में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा मालदीव। आपका क्वेश्चन केवल इतना पूछा जा सकता है कि सार्क देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो कौन सा देश नहीं है? म्यांमार। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया? तो आपका संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पर चलिए। किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोत रोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? पाकिस्तान ने। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में अप्रैल 2020 के दौरान किस राज्य सरकार ने एक नई योजना धनवंतरी शुरू की है, जिसके तहत घर पर रहने वाले रोगियों को स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी? तो किसकी योजना है? असम सरकार की। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने COVID-19 महामारी के चलते राज्य के सभी सार्वजनिक समारोह पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया है? 30 जून 2020 तक। ठीक, आइए 94 नंबर। हाल ही में अप्रैल 2020 के दौरान किस राज्य सरकार ने शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू की है? तो आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक, आइए 95 नंबर। COVID-19 के कारण किस देश ने 27 जुलाई से 14 अगस्त 2020 के मध्य होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है? तो इसने 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा किया गया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? 3 साल। आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है भी कि भ्रष्टाचार के आरोप में पाकिस्तान के किस बल्लेबाज पर बैन लगा दिया गया? तो आप कहेंगे उमर अकमल। ठीक, या पूछा जा सकता है कि उमर अकमल किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने की घोषणा किया है? 50 लाख का। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर। 29 अप्रैल 2020 को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई? तो दीपांकर दत्ता को बम्बई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक, आइए आखिरी प्रश्न पर चलते हैं अपने। हाल ही में अप्रैल 2020 के दौरान किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है? तो आपका मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक, तो चलिए बच्चों, यहाँ हमारा अप्रैल माह के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को